इसका नाम है शाइब। अगर तुम लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि आज जो तुम देखने वाले हो ना, ये होने वाला असली कॉन्करर गेम प्ले। अब कैपियन ये बंदा जब ग्राइंड इसने शुरू करी इस सीजन, तो इसकी ये बहुत टाइम तक रैंक 2 पे बहुत स्ट्रगल किया लड़के ने, क्योंकि जो टॉप का प्लेयर था भाई वो नॉन स्टॉप पहले जा रहा था एंड भाई इन लोगों की रेटिंग 12,000 क्रॉस कर गई भाई, लिटरली 12,000 के पार निकल गए ये लोग रेटिंग, सीजन रेटिंग में भाई। गाइस ये देखो, ये वर्ल्ड 77 टर्मिनेटर है, ठीक है, ट्रिपल कॉन्करर है, और भी 12,000 सीजन रेटिंग के साथ। तुम यार ये चीज देख रहे हो, 12,000 सीजन रेटिंग, भाई मजाक हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पे शाइब भाई का फाइनल सर्कल के, आज तुम्हें मैं कॉन्करर लेवल के क्लचेस दिखाने वाला हूँ, जो कि तुम देख के बोलोगे भाई 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 मजा आ गया। तो यहाँ पर शाइब और उसकी स्क्वाड पूरे टॉप के कॉन्करर गेम के अंदर। भैया देखो, कॉन्करर में ना अगर तुम जल्दी मर जाओ तो -50 का जो थप्पड़ पड़ता है ना भाई, एक ही बारी में वक्त जज्बा जिंदगी बदल देता है वो। ओके, पे ये सब साफ बन, देखो ये कॉन्करर का फाइनल सर्कल ना कॉम्पिटेटिव गेम प्ले से कम नहीं होता है भाई। सब गुटकाधारी नागिन बन के डसते रहते हैं एक दूसरे को, बंदा भी नहीं दिखा भाई। ओके, रैंडम फायर में एक बंदा उड़ा, वही एक्चुअली में नहीं दिखा, इसको खुद भी नहीं दिखा, नेड फेंक रहा है भाई, तो नॉक फिनिश होने वाला है उसको। 14 किल्स हो गए भाई इसके साथ। ओके, लेफ्ट साइड में उसको उसको रिवाइव देने जाएगा। कैप गैंग, आप लोगों ने 1x के बारे में तो सुना ही होगा, एंड आपको उसी के साथ इस ऐप के अंदर इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलता है। किंग ऐप है जिसके अंदर आप जाकर के अपने प्रेडिक्शन लगा सकते हो, कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स हो, आपको जाना है यहाँ पर, सिर्फ अपनी बेट लगानी है कौन सी टीम आपको लगती है कि जीत सकती है, एंड आपको बहुत सारा पैसा कमाने को यहाँ पे मौका मिलेगा। एंड अगर आप 100 रुपए डालते हो तो आपको 200 रुपए मिलते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक तो बोनस चल रहा है, मतलब 100 पे 100, 200 पे 400, मतलब डबल हो जाएंगे पैसे आपके इसके अंदर डालते ही। तो भाई जा करके डाउनलोड करो 1x को एंड यूज करना मेरा कूपन कोड किंग एंड्रू, एंड भाई जा करके पैसे कमाइए। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। जोन आ रहा है, एक तो जोन के अंदर भाग के आने वाले हैं। उनका जोन काट देगा भाई शायद, तो भाई क्या रैंडम नेट्स इधर उधर गिरे ही जा रहे हो। ओके, सामने भाग के आया वो। ओ नाइस, लिटरली प्लेयर देख नहीं रहे शायद भाई, रैंडमली फायर हो रहे सारे शॉट्स भाई साहब। क्या चालू है ये भाई, वो राइट साइड में कोई टावर है तो उस टावर के ऊपर कोई बैठा हो तो क्या है भाई, स्कैम कर देगा भाई, वो वहां पर चढ़ा हुआ है एक्चुअली में, वो तो शायद को देख। ओके, एक और बंदे को नॉक किया भाई, क्या ही चल रहा है ये। यहाँ पे लूट मिल गई शायब को भाई, ये बंदे ने ना एक बार 600 की पार केडी कर दी थी बंदों को मारते मारते, मजा आग से अटके 632 के ऊपर केडी चली गई थी इसकी। वो नेड आया, ओहो बच गया ये। ओके, वहां पर एक बंदा पक्का होगा, ये नेड भाई ओ उस पर रश कर देंगे लोग। ओके, उसको कंफर्म किया यहाँ पे भाई फाइनल सर्कल के अंदर, ये चारों लाइव, दो ही बंदे लाइव आएगा इस, तो टावर पे होगा, ये टावर से नीचे गिरेगा शायद से, या फिर एक सामने उधर बैठा होने वाला है। राइट साइड एक बंदा है, उसको नॉक किया, नाइस, ऑल डेड भाई, फाइनल सर्कल भाई, मजा आ गया। 12 आवर्स तो कम से कम खींचता होगा दिन के, ये ट्रिपल कॉन्करर हर सीजन है भाई ये। ओके, बग्गी आई है यहाँ पे, गाड़ी आई राइट साइड से भाई, मुंह पे भाई कॉन्करर के अंदर कैसे जा रहे हैं ये लोग। ओ भाई क्या गलत प्रे मारा उन्हें भाई, चलती गाड़ी से गलत उतार रहा है प्लेयर्स को, ये दोनों को गलत उतार रहा है। तीसरा बंदा जो गाड़ी में भागा ना, उसकी एचपी भी खत्म है भाई। एकेम गलत चिपका दिया उन्होंने। ओके, सॉन्ग आई बेन थ्री, यार ये फाइट अगर से निकाल देना मजा आ जाए, क्योंकि देखो 1v1v2 हो सकता है ये, जहां तक मेरे को लग रहा है, या फिर पांच बंदे लाइव है, 1v4 भी हो सकता है ये, बट एक बंदा भी मार दिया तो शायद से कम चांसेस उसका। ओके, फाइट चालू, यहां पर एक बंदा और फिनिश हुआ, गाड़ी लेके अब अंदर आ रहे प्लेयर जोन के। देखो गाड़ी लेके ना फाइनल सर्कल में वही जोन में आता है ऐसे, जिसके अंदर कम से कम भी 2 बंदे अलाइव हो, वही इतना डेयरिंग होता है। अबे गाड़ी से उड़ा दिया उसने, एक ही प्लेयर था शायद से, पता नहीं क्या था, ऊपर है वो। ओके, अब ये होने वाला है यहाँ पे इंटेंस लॉन्ग रेंज फाइट, कौन जीतेगा। सामने वाला बंदा स्प्रे मार रहा है, एक और शील्ड डाल, नाइस, अब पेड़ के यहाँ पे पीछे आ गया, जोन के अंदर आ गया यहाँ पे शायद, पत्थर के पीछे आ गया, नहीं 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 गया। ओके,
क्या सह है ये फाइट देखने लायक होगी अभी यहाँ पे ऑफ कोर्स ही वोंट डू गाड़ी लेके जोन में आ रहा है वो भैया जी बहुत डेयरिंग प्लेयर है बे गाड़ी वाड़ी लेके घूमे जा रहा है लड़के ओके कूद के देख रहा है वहां से उसके मुंह पे नेट फटने वाला है गया वक्त जज्बात जिंदगी बदल गया भाई हमारे शाही भाई जा रहे हैं अपने एक अकेले टीममेट के साथ देखो अभी फाइनल सर्कल के अंदर ना घुसना बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली पानी वाला इलाका अब यहाँ देखो ये रिवर के थ्रू यू नो अंडर इसके नीचे तैर के जा रहे हैं क्योंकि अगर ऊपर से गए तो भाई प्लेयर्स ना एकदम यू नो खत्म कर देना ब्रिज के ऊपर ओके ऊपर जाते ग्रोजा देख बंदे को नॉक किया भाई ग्रोजा भाई समोसा बना देती बंदे का मार मारते मजाक मतलब कॉन्करर के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ये कॉम्पी के अंदर भी गन गेम इंपॉर्टेंट है बट मेरा मानना है यू नो एक जो गेम का वो होता है ना गेम की नॉलेज और सही टाइम पे सही जगह होना यू नो आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं इस गेम के अंदर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1v1 चांसेस बहुत कम होते हैं यूजुअली लोग दूर से ही नॉक फिनिश कर देते हैं एक दूसरे को तो स्प्रे पावरफुल होना चाहिए और गेम का सेंस पावरफुल होना चाहिए वो क्या पे इसका टीममेट नॉक हुआ उसको रिवाइव दिया हबीबी कम टू दुबई ये रश हो रहा है शायद से लेफ्ट साइड से फुटस्टेप आया है देखो यहाँ पे क्या ओपन है भाई पूरा आगे खुला मैदान है भाई साहब शील्ड ना हो तो भाई स्कैम हो जाए बे ओके यहाँ पे स्मोक करके जोन में एंट्री होने वाली है ओ वो कहाँ लेटा है बाय गॉड वो कहाँ लेटा था दिख भी नहीं रहा था बे फाइनल सर्कल के अंदर अब यहाँ पे देखो 1v3 की सिचुएशन हो सकती है क्योंकि शायद के सारे प्लेयर मर चुके हैं एंड यहाँ पे इसने होल्ड किया देखो शील्ड ना हो तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है देखो ये होता है गाइस अबे यार नेड भाई मॉली सब कुछ हेलो क्या चालू है ये बमबाजी पूरी ग्रेनेड कितने ग्रेनेड करोगे बे स्मोक पाथ बना रहा है यहाँ पे जोन में घुसने के लिए भैया कितने स्मोक भाई देखो एक्चुअली में जो प्रो गेम प्ले होता है ना कैबिंग वाला कुछ ऐसा ही दिखता है यू नो जो ओरिजिनल कॉन्करर कॉम्पी वाले गेम प्ले होते हैं ना उनमें फाइनल सर्कल ऐसे ही होते हैं और सबसे मजेदार चीज यही होती है देखने लायक सर्वाइवल भाई कि भाई रैंडम नेट्स अब देखो शाइब भाई भी बहुत ग्रेनेड लेके आए हैं शाइब भाई ने कहा तुम्हारे ऊपर रेड जोन सा बना डालूंगा ऐसा ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी की रैंडम फायर भाई वही तो रेड जोन बना रही लिटरली कुछ हुआ नहीं भाई कितने नेड हो गए भाई साहब स्मोक गॉन अरे अरे अब यहां से देखते हैं ओके एक बंदे को डैमेज दिया यहाँ पे लेकिन दोनों बंदे भाई क्या ब्लाइंड स्प्रे मार रहे दिख भी नहीं रहा है उधर बंद भाई बंदे दिख भी नहीं रहे तमीज से यार हाँ बे उधर एक सांप बना हुआ है वो तो एकदम खा जाएगा शायब को अंदर जाते क्या करेगा सांप बना हुआ है गुटकाधारी नागे मार एक बंदे को नॉक किया नाइस ये रश कर देगा रे राइट से पड़ेगा इसे ए राइट वाला बंदा मार दिया इसको क्या अबे वो वहां अबे उसने मारा ही नहीं इसको क्या फ्री अबे यार वो ज्यादा ही कॉन्करर प्लेयर था गाइस वो ओरिजिनल गुटकाधारी नागिन था आखिरी तक कैंपिंग कर रहा था कह रहा मैं चीज दूंगा तो नहीं सेकंड तो आ ही जाता हूं भाई हद है यार क्या कैंपिंग कर रहा था लड़के ओके आपने स्मोक को किया जोन में जाने के लिए इसके टीममेट्स हमें पेल रहे भाई जोन काट रहे प्लेयर्स का रैंडम फायर स्मोक के अंदर पड़ रहा है भाई एक से उड़ा दे एक को ओके अरे अरे इसका टीममेट गया है यहां पे पता सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि यू नो तुम कॉन्करर खेलो और यू नो जल्दी खत्म हो जाए तुम्हारा गेम प्ले क्योंकि माइनस तो पड़ता है साथ में अपने टीममेट को स्पेक्टेट भी करना पड़ता है क्योंकि तुम लॉबी लीव भी नहीं कर सकते हो और वो नुबड़ी के कॉन्करर वाले प्लेयर ले जाते चिकन डिनर यहाँ पे एक अच्छा कंपाउंड होल्ड किया भाई शाइब ने ओ सामने बंदा ओपन भाग रहे मारा ओ पेड़ एकदम आ गया यार बचाने उसे अभी स्कैम कर देता उसकी जिंदगी में वापस ओपन भाग रहा अरे वाह मेरे वाह तुम तो बड़े हैवी प्लेयर हो खुले में ही ओके खुले में भागोगे खुले में यू नो जाओगे ओके 4 मीटर दूर है यहाँ पे जोर और
वाह भाई, सारे प्लेयर ऊपर में फंसे हुए, शाइप पे क्या कंपाउंड होल्ड किया है भाई, यहाँ से तो क्या ही मारेगा ये। बट वही एक नेड अगर इसके ऊपर आ गया तो वक्त जज्बा जिंदगी बदल जाएगा भाई, चार बंदे अलाइव और अकेला अलाइव है उसकी टीम से, लॉक भी नहीं होगा, खत्म होगा डायरेक्ट। फुल बूस्ट 1v3 ओके।